देखिए, ओनली मुस्लिम कंट्रीज इन लाइज इन, तो मेरे भाई मैं बता चुका हूँ, ये पुराना पेपर है यूनिवर्सिटी का, तो उस ज़माने में सिर्फ एक ही होती थी यूरोप में, और वो होती थी अल्बानिया। अब बोस्निया भी है, कोसोवो भी है, और तुर्की भी कुछ पार्ट यूरोप में ही लगता है। फिर द सी सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड कैस्पियन सी, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो जनाब, जिस वक्त ये पेपर बना था उस वक्त चाइना थी, अब इंडिया हो चुकी है, जहन में रखिएगा। फॉरबिडन लैंड इज नेम गिवन टू, तो मेरे भाई तिब्बत। डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशियन। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड ग्रीनलैंड, जिस पे डेनमार्क का कब्जा है मेरे भाइयों। फिर इमल्डेड आइजल आइलैंड को कहते हैं। टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इज, तो 12/25। इन विच कंट्री ग्रेट बेयर लेग इज सिचुएटेड, तो मेरे भाई ये आंसर होगा कनाडा। इन ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज, तो क्या है जी, पैसिफिक ओशन। विच थ्री कॉन्टिनेंट टच आर्कटिक ओशन, तो करेक्ट आंसर है एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एरिया वाइज, अगर हम देखें तो वेटिकन सिटी। द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, तो पहले सूडान होती थी, अब अल्जीरिया, जिसका कि पेपर बना था सूडान थी। होबार्ट इज़ द कैपिटल ऑफ, तो ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट है तस्मानिया, जो कि जजीरा भी है, उसका कैपिटल है। विच पेयर ऑफ कंट्रीज इज लैंड लॉक, तो मालदीव श्रीलंका तो नहीं, भूटान और नेपाल हैं जी। फिर एशिया मेडिटेरियन सी रूट इज फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ, तो स्विस कैनाल के जरिए। द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, लंबी पूछी है, तो एंडस साउथ अमेरिका में। इंडियन ओशन टचेस, हाँ जी, कौन कौन से कॉन्टिनेंट को टच करता है, तो अफ्रीका, एशिया और ओशियानिया। फिर अमेरिका स्टेट विच आर फिजिकली सेपरेटेड आर, हवाई, अलास्का। फिर प्लेस नोन हैज रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज, तो यह है तिब्बत।